जो भी कार खरीदने की सोच रहे हैं तो वो अभी दिसंबर में कार खरीद ले, क्योंकि अगले साल जनवरी से कारों की कीमत बढ़ने वाली है। भारत में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली मारुति सुजुकी इंडिया अगले साल जनवरी से अपनी कारों की कीमत बढ़ा रही है। नेक्सॉन, पंच, हैरियर, सफारी जैसी कार बनाने वाली टाटा भी अगले साल जनवरी से कीमत बढ़ाने का संकेत दे चुकी है। फॉर्चूनर, इनोवा जैसी कार बनाने वाली टोयोटा और अमेज, WRV, सिटी जैसी कार बनाने वाली होंडा भी अगले साल जनवरी से प्राइस बढ़ा रही है। स्कोडा भी 3% तक प्राइस बढ़ाने वाली है। कुछ लोग समझते हैं कि दिसंबर में कार खरीदेंगे तो 2021 मॉडल मिलेगी, इसकी बजाय जनवरी फरवरी में कार खरीदते हैं तो 2022 मॉडल मिलेगी। लेकिन एक दो महीने की मैन्युफैक्चरिंग डेट में अंतर से फीचर में बिल्कुल भी अंतर नहीं होता, बल्कि रत्ती भर भी अंतर नहीं होता। बल्कि कार कंपनियां ग्राहकों की इसी मानसिकता और भावुकता को भुनाने के लिए हर साल जनवरी में कीमत बढ़ाती है। नहीं तो कीमत ही बढ़ानी है तो जनवरी की बजाय दिसंबर में क्यों नहीं बढ़ा देती है, या नवंबर, अक्टूबर, सितंबर में क्यों नहीं बढ़ाती है। बाकी अपनी अपनी समझ, और सबकी समझ को सलाम।